गाइस वेलकम टू क्रेजी क्लाउन्स। तो यार आज की आईटी की लाइफ में ना यार इतने साल से काम कर रहा हूँ, 6-7 साल हो गए हाँ ऑलमोस्ट। इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, कभी ब्लॉकचेन, कभी एआई, कभी एमएल, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ क्या सीखूँ। यही तो ये दिक्कत है मार्केट की। इतना कुछ निकाल देंगे, क्या क्या निकाला है आप लोगों ने, सबने सुना होगा एआई, एमएल, आईओटी, मशीन लर्निंग, डेटा मशीन लर्निंग, साइंस, डेटा साइंस और क्लाउड, इतना कुछ निकाल दिया है ना। और आपसे बोलेंगे ये सीख लो वो सीख लो, आप एक तरफ सीखने जाओगे, वो दू बोलेगा अरे ये नहीं सीखा, अरे ये सीखने जाओगे अरे वो नहीं सीखा वो सीख लो, आपको यही दौड़ाते रहेंगे। देखा आपने, ऐसे ही होता है, आपको दौड़ाते रहेंगे, आपको समझ नहीं आएगा, आप कभी क्लियर ही नहीं होगा कि आपको सीखना क्या और है। पब्लिक भी जो नए नए बंदे होते हैं इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तुरंत ना। अरे चलो डेटा साइंस नहीं है मैंने पढ़ा है, तुरंत तुरंत कोर्स ले लेते हैं डेटा साइंस का, तुरंत अरे करते हैं हम सर्टिफिकेशन। हमारे जैसे एक्सपीरियंस लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हाँ जब हम जॉब ढूंढते हैं तो हमको लगता है यार ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, क्या ये भी पढ़ लें, ये नहीं आता वो भी पढ़ लें, डेवऑप्स, क्लाउड, ये वो सब कुछ, हाँ और कुछ भी नहीं कर पाते उस चक्कर में। राइट। और और मजे की बात तो ये बताना चाहूँगा कि पढ़ सब लेते हैं ना, डेटा साइंस पढ़ लिया, एमएल ये वो, जब इंटरव्यू में बैठे तब पूछ रहा भाई एक स्ट्रिंग है 3 करेक्टर की और एक ये स्ट्रिंग है, इसमें आपको ऑकरेंस पता करना है कितनी बार आया, ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं फिर। फिर आप कहोगे अरे मैं तो ये सब पढ़ के, ये सब पढ़ा, ये सब, ये कैसा क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आपको ले जाएगा बेसिक्स पर, तो पूरी दुनिया आपको भटकाती रहेगी बेसिक से, अरे ये सब तो बेकार है, ये चल रहा ट्रेंडिंग, आप बेसिक से भटक जाओगे, वो करने जाओगे और आज से पूछा हो ही जाएगा। बहुत सारे बेसिक आपका प्रोग्रामिंग है, बेसिक कभी नहीं छोड़ना है, बेसिक प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग तो हमेशा आनी चाहिए, बेसिक छोड़ दिया सब खत्म। बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग आजकल देखा होगा आपने मार्केट में, बहुत बयान दे रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं राइट, नाम उनको मत फॉलो लीजिएगा, करते नाम मत हैं। लीजिएगा। नहीं हाँ नाम नहीं लूंगा मैं, लोगों को पता है हमारे व्यूवर स्मार्ट हैं, उनको पता है कि सब लोग बोल रहे हैं कि भाई इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम इफ़ यू आर लर्निंग कंप्यूटर साइंस इन 2024, ये वो है ना। बट द थिंग इज़ कि कोई भी अगर आप यूज़ करोगे, कोई भी एआई है ना, कोई भी टूल है या जो भी है, उसको सपोर्ट करेगा आपको। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कभी भी बाहर नहीं जाएगी इस दुनिया से, है ना। आप सब भूल जाओ डिज़ाइन पैटर्न्स क्या होता है, आर्किटेक्चर बन नहीं पा रहा आपसे, स्केलेबल सिस्टम बना नहीं पा रहे हो, माइक्रो सर्विसेज बना नहीं पा रहे हो। मैं आपको बता रहा हूं, ये सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। पूछो कैसे। कैसे हाँ वो ऐसे, ये लोग बताएंगे ये ट्रेंडिंग में है, आप कंप्यूटर साइंस मत पढ़ो, प्रोग्रामिंग छोड़ो, ये सब सीखो, इससे काम फटाफट होगा। एक समय ऐसा आएगा कि जनरेशन ऐसी हो जाएंगी कई सारी जिनको एक कोडिंग आती नहीं होगी, भूल चुके होंगे बेसिक्स, या आती नहीं होगी आगे जनरेशन को, हाँ फिर ये लेके आएंगे नहीं बैक टू बेसिक्स, राइट ये सब छोड़ दो, बैक टू बेसिक्स, वो स्ट्रांग हुआ तो ये भी कर लोगे। आजकल ट्रेंड चला है कि अपना अपना जीपीटी मॉडल बना दो, कैसे बनाओगे आपको कोडिंग नहीं आती भाई, अगर अपना राइट बनाना है तो पता हो सकता नहीं। है आप हाई लेवल पर बना लो, बट आप कंप्लीटली बना पाओगे क्या, नहीं। जो ये जो निकलता है मार्केट में, जो नई नई टेक्नोलॉजी निकलती है, ट्रेंड निकलता है, इसमें भी तो पीछे कोडिंग ही होती ना, तो ये चाहते हैं इनके तो कोडर रहे, आप कोडिंग भूल जाओ। बाकी डेटाबेस डिज़ाइनिंग ये सब है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी एफिशिएंसी। आप यही भूल गए कि कौन सा हमको डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है कोड में, सब भूल चुके हैं आप। आप चैट जीपीटी में डाला, उसने बता दिया लिंगलिश यूज़ करो, हैसेट यूज़ करो, ये यूज़ करो, वो यूज़ और अगर करो। आप नहीं डाल रहे हो और आपके बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो आप हर चीज़ में लिस्ट ही बना रहे हो, हाँ जो भी आपके मल्टीपल एलिमेंट है लिस्ट बना दोगे और उसको ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ भी नहीं करोगे। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, मैंने .NET में देखा है लोग आई रीड ओनली लिस्ट, बहुत ज़्यादा अगर कोई कर लेगा तो आई रीड ओनली लिस्ट, उससे ज़्यादा नहीं आगे बढ़ते लोग। बस ऐसी ऐसी लाइफ कट जाती है और उसके बाद स्ट्रगल करते हैं, नई टेक्नोलॉजी हमको नहीं आती है, हमको कोई सिखा दे, वीडियो ढूंढेंगे यूट्यूब पे आके, कैसे वीडियो ढूंढेंगे, 30 मिनट ट्यूटोरियल टू क्रैक इंटरव्यू ऑन दिस, अरे 30 मिनट में क्या इंटरव्यू क्रैक करोगे, अरे और 30 मिनट क्रैक भी कर लो काम कब करोगे उसके ऊपर, क्या करोगे भाई। और सब लोग बहुत ज़्यादा ये भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना कि ये जो आप डेविन जो आया है अभी एआई है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपर है ना, एआई सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये वो, ये आपका कोड करके देगा, आप लिखो मेरे को ये एप्लीकेशन चाहिए और वो मिनटों में बना के आपको दे देगा। लेकिन आप अगर जो उस एप्लीकेशन को कभी भी आप डाल के देखिए है ना, उसको जाइए उसको गो थ्रू करिए, जब तब आपको पता चलेगा कि इसमें 1000 गलतियां हैं, कहीं नल असाइन कर रहा है, बिल्कुल, कहीं कुछ असाइन वो कर रहा ह्यूमन है, थोड़े ना है। कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, कभी ह्यूमन बीइंग के लॉजिक अगर को। आपका बेसिक स्ट्रांग है, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी स्ट्रांग है उसके कॉन्सेप्ट्स के साथ, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं एक स्कॉट हैंसलमैन, सब लोग जानते हैं स्कॉट हैंसलमैन को, बहुत ही बड़ा यस नाम है माइक्रोसॉफ्ट का बंदे का। तो यस उन्होंने एक कोट दिया था, पीपल से दैट लर्न दिस लैंग्वेज, यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस लैंग्वेज इन 2022,
यू नो ही सेज दैट एनी लैंग्वेज इज गुड, इवन कोबॉल है ना, ऑल दोज फोर्ट्रॉन है ना, ऑल दोज लैंग्वेज आर स्टिल वैलिड क्योंकि सम और द अदर वेबसाइट विच यू आर यूजिंग इज कोडेड इन दैट लैंग्वेज, राइट? तो जब तक आपके वो काम की है, आप किसी भी एक लैंग्वेज में लर्न वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही सेड विच यू लाइक पर्सनली, विच यू लाइक एंड वेर यू फील कम्फर्टेबल विद द सिंटैक्स, लर्न दैट लैंग्वेज एंड देन यू कैन लर्न एनी टेक्नोलॉजी, राइट? उसके बाद कल को नहीं रहेगी पाइथन, तब आज सब पाइथन में लगे हुए हैं, चलो अच्छी बात है, राइट? कल को पाइथन नहीं रही, अभी गो आ रही है, गो पे लोग जा रहे हैं, फिर रस्ट, ये वो लैंग्वेजेस विल ऑलवेज बी देयर इन द मार्केट, हमेशा लैंग्वेजेस रहेंगी। बिल्कुल, आपको अपना स्ट्रॉन्ग बेस बनाना है, किसी लैंग्वेज बनाना है और अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बनाना है, राइट? विद कॉन्सेप्ट्स, वो नहीं है तो बाकी सब बेकार है, बाकी सब तो आता जाता रहेगा, टूल्स वगैरह आते जाते रहेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी आता जाता रहेगा। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, आप उसको पढ़ सकते हो, लर्न कर सकते हो, इसको आप सीख सकते हो, फटाफट काम भी कर सकते हो, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने में सालों लगते हैं, मैं तो उसको स्ट्रांग होते होते सालों लग जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, हमारे जिस प्रोजेक्ट में हमने काम किया है, प्रोजेक्ट का नाम नहीं लूँगा मैं यहाँ पे, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मैं रिवील नहीं कर सकता, लेकिन एक प्रोजेक्ट में मैंने काम किया है, वहाँ पर मैंने एक नोटिस करी है कि जो फॉरेन डेलीगेट्स थे वहाँ पर, जो आर्किटेक्ट्स थे कुछ ऑन साइट टीम में, वहाँ पर उनको बेसिक्स उनके इतने स्ट्रांग थे, उनको इतना आइडिया था सिस्टम्स के बारे में, कोई भी नया सिस्टम आता था तो वो गेस करके बता देते थे कि इसमें ये डेटाबेस यूज़ हो रहा होगा बैकएंड में, बिना पढ़े, डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ने की जरूरत है उनको, वो सिस्टम देख के समझ जाते हैं कि इसका आर्किटेक्चर बैकएंड में कैसे बना होगा, समझ रहे? इतना स्ट्रांग होता है उनको, तो उनका गेस ही जो होता है वो हमेशा सच होता है, बिकॉज देयर बेसिक्स आर वेरी स्ट्रांग, दे नो हाउ सिस्टम्स आर मेड, यू नो। एब्सोल्युटली, तो आशा करते हैं आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, सी यू, बाय बाय।